हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 28। दोस्तों, एक से लेकर के 27 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, जा करके वहाँ से आप देख लीजिए। दोस्तों देखिए, एक प्रैक्टिस सेट में आपका 30 क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन वही है जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों। इसलिए आप एक भी प्रैक्टिस सेट आप छोड़िए मत, इसको आसानी से याद कर लीजिए ताकि आपका आने वाले कल बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों, वंदे मातरम सभी जानते हैं आनंद मठ से लिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था दोस्तों? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि फाहियान जो था ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एबीएम का पूरा नाम क्या है? एबीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम का पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिए, पांच नंबर, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था दोस्तों? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन ने यहाँ बल दिया था, यानी सहयोग दिया था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जे बी कृपलानी। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, रोजर फेडरर था वह स्विट्जरलैंड के निवासी है। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा है? दोस्तों, पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा है? तो यह नाम जुड़ा है आपका ओडिसी नृत्य से, याद रखिएगा ओडिसी नृत्य। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य संख्या कितना है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 545। उपराष्ट्रपति का नाम बताओ, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो वह कौन सा राष्ट्रपति जो एक बार से अधिक, यानी कि 2 बार 3 बार चुना गया है राष्ट्रपति के पद पर? तो आप सभी जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। हिमा दास किस राज्य की रहने वाली थी? तो हिमा दास किस राज्य की रहने वाली है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हिमा दास जो है यह असम की रहने वाली है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 15 नंबर देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसने जीती? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई थी वह किसने जीता था दोस्तों? तो यहाँ जीता था अहमद शाह अब्दाली ने। अब देखिए भाग 2 विज्ञान का। विज्ञान में देखिए, एक्यूपंचर क्या है? तो दोस्तों, एक्यूपंचर क्या है? ये सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है एक्यूपंचर। यह चाइना में चलता है। पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्यों? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि भारहीन होता है रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रक बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। 18 नंबर देख लीजिए, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो दोस्तों, एक खाली बर्तन में जब पानी भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो उसकी आवृत्ति जो होगी दोस्तों बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर, मसूरों में होने वाली बीमारी है। तो मसूरों में आप सभी जानते हो कि मसूरों में जो है यहाँ क्या होती है? तो स्कर्वी यह मसूरों में होती है। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की डैश कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऊष्माधारिता। एक पदार्थ की किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। पहाड़ों पर
दाल देर से गलती है क्यों, पहाड़ों पर दाल देर से क्यों गलती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वायु दाब कम होता है, वायु दाब कम हो जाता है। निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है दोस्तों, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है गैर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है। 23 नंबर देखिए, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की को कहते हैं, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा किलो कैलोरी। विजातीय आवेश को के माध्यम लगने वाला बल है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है, तो विजातीय आवेशों के बीच मध्य बल लगने वाला है कूलम्ब का आकर्षण बल। मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है, तो मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन जो है यहाँ विटामिन ई है, विटामिन डी है सॉरी, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से ऑटोमेटिक अपने आप शरीर में प्रवेश करता है। प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग क्या है दोस्तों, तो प्राथमिक रंग जो है यहाँ लाल नीला हरा, यानी कि RGB इसको याद रखिएगा, रेड ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट देख लीजिए, सदाई चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक क्या है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका गॉस मीटर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, कम खतरनाक होता है दोस्तों, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना अधिक क्या होता है, तो अधिक खतरनाक होता है। आप जानते हैं कि जो जल से नहीं जलते वो अधिक, उससे ज़्यादा भाप से अधिक जलता है। हाँ, चूहे के विष का रासायनिक नाम है, तो चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, तो जिंक फॉस्फाइड से चूहा को मारा जाता है। विद्युत धारा की इकाई है, तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो कूलम पर सेकेंड है। तो दोस्तों देखिए, अब गणित का भाग थ्री में 31 से 35 तक इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि मैं जब भी बोर्ड पर बनाता हूँ तो आप वहाँ से आसानी से इसको बना सके। देखिए 36 से 39 स्क्रीन शॉट लीजिए, 40 से 45 ले लीजिए और 46 से 50 ले लीजिए रीजनिंग का। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और याद किया होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय।